हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर फ्रॉम ग्राउंड टेक्निक के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था अपने किस पिछले वीडियो में, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में भी, उसमें मैंने बताया था कि मालोंग के टेक्निक के बारे में, वो कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, पावर फ्रॉम ग्राउंड टेक्निक जिसको बोला जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि वो कैसे यूज होता है और कैसे हम लोग भी उस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड फॉरेन टेक्निक की। तो ओल्ड फॉरेन टेक्निक में हमारा होता था, उसमें सिर्फ आर्म से मारते थे, हाथ को फोल्ड करके और स्नैपिंग बाय योर आर्म इसकी तरह मारते थे और एल्बो की मदद लेते थे और उसकी मदद से हम लोग स्ट्रोक फिनिश कर देते थे। लेकिन दिक्कत क्या आती थी हमको ओल्ड टेक्निक में, उसकी एक लिमिट रहती थी, क्योंकि जैसे हम लोग हाथ से ही मारते थे तो उसमें सिर्फ हमारा हाथ का ही पावर लगता था और उतना पावर कि हमारे इनफ नहीं होता वो टॉसपिन बहुत तेज़ी से जाने के लिए। ये सिर्फ काउंटर हिट के लिए काम आती है और इसलिए भी होता है कि हमारे मसल का जो आर्म होता है, जो मसल होता है आर्म का मसल, तो वो जो है उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि हम लोग बहुत तेज़ी से हिट कर सकें। तो इसलिए हम लोग न्यू फॉरेन टेक्निक के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा एशियन प्लेयर्स को, जैसे कि हो गया चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब जगह के प्लेयर्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि उनकी बॉडी का शेप जैसे होता है, हाइट वेट ले लीजिए, वो यूरोपियन प्लेयर से कम ही होता है, छोटे होते हैं। चाइना देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रहती। आप फैन जेंडोंग की हाइट देख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए फैन जेंडोंग की हाइट से टीमो बॉल या फिर किसी भी यूरोपियन प्लेयर के बारे में, वो सब लंबे होते हैं। तो लेकिन फिर भी चाइनीज़ का जो स्ट्रेंथ होता है, जब आप देखेंगे तो फैन जेंडोंग या मालोंग जब टॉसपिन मारते हैं तो उनकी टॉसपिन ज़्यादा पावरफुल लगती है, और जबकि यूरोपियन प्लेयर्स की पावरफुल उतनी नहीं लगती। हाँ, हालांकि देखिए यूरोपियन प्लेयर्स की टॉसपिन अच्छी होती है, पावर भी होता है, लेकिन कंपेयर अगर जब आप करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि चाइना या फिर कोरिया जापान के प्लेयर्स को ज़्यादा पावर रहती है उनके टॉसपिन में और कंपेयर टू हैं। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे जो वंडर किड हरिमोटो हैं, जो देखिए उनकी एज कितनी कम है लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा पावरफुल उनका टॉसपिन है। शॉट देख लीजिए उनके, कोई भी अरे टॉसपिन के बैकहैंड के शॉट्स तो बहुत ही अच्छा है, उनका पावर बहुत ही ज़्यादा है। वो इस रीजन से होता है क्योंकि वो लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेलिंग में। देखिए इसको हिट द बॉल बाय योर लेग, यानी कि आप अपने पैर से बॉल को हिट करिए, मारिए। और ये स्ट्रेंथ थोड़ा लगता है कि क्योंकि पहली बार आप सुनेंगे पैर से कैसे मारेंगे, लेकिन ये सही है। देखिए हिट मतलब डायरेक्टली आपको नहीं हिट करना है, पैर के पावर को यूज करना है। ग्राउंड के पावर फ्रॉम ग्राउंड कॉन्सेप्ट यही है, पहले अपना पैर को यूज करिए स्ट्रोक को सपोर्ट के लिए, उसको अपना रोटेट करिए हिप के बाद, वेस्ट को यूज करिए, उसके बाद फिर लेग में ट्रांसफर करके फिर टॉस मारिए। तो इसका स्टेप यही होगा, सबसे पहला लेग के बाद फिर रोटेट द हिप, हिप को रोटेट करिए, उसके बाद स्नैप योर फोरआर्म, फोरआर्म को फिर चलाइए, उसके बाद तीनों को कंबाइन करके आप शॉट मारिए और आप पाएंगे कि देखिए बेटर क्वालिटी शॉट हो गई, बेस्ट क्वालिटी शॉट आपको मिलेगी इसकी वजह से। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका हाथ और आपका अगर कंपेयर करेंगे आप, सिंपल सी बात है, हाथ में ज़्यादा पावर है आपके कि पैर में, सभी के पैर में ही ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि हाथ के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो पैर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इसलिए अगर जब आप पैर का पावर को यूज करने लगेंगे और उसको ट्रांसफर करके खेलेंगे तो आपका टॉसपिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी वही रीज़न दिखाया गया है पावर फ्रॉम ग्राउंड में कि आपकी फोरआर्म की मसल बहुत ही वीक होती है उतना ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए, और आपका लेग जो होता है वो काम आता है, मदद करता है टॉसपिन में। इसमें यही होता है, लेग पावर जनरेट करता है, उसके बाद हिप के थ्रू आपका पूरा पावर ट्रांसफ़र होता है हाथ से, उसके बाद फिर रैकेट में जाके बॉल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो चाइनीज़ प्लेयर्स होते हैं वो जब शॉट मारते हैं तो थोड़ा जंप करते हैं। यहाँ पे एक वीडियो आपके सामने चल रहा होगा जेन जाइक का, अगर ध्यान से देखेंगे तो वो फ्लिक मारने जा रहे हैं लेकिन उस टाइम अगर उनका पैर देखिए, पैर में नोटिस करेंगे तो वो जंप कर रहे हैं, तो इस जंप से उनका जो पावर है ग्राउंड से निकल के उनके स्ट्रोक में जा रहे हैं। यही ये टॉसपिन में भी आप देखेंगे, फैन जेंडोंग का अगर मैच आप देखेंगे तो वहाँ भी आप पाएंगे कि यही हो रहा है, फैन जेंडोंग भी
इसी तरह पावर जनरेट करते हैं। आप अगर सर्च कर लीजिए, कॉपीराइट के वजह से मैं नहीं दिखा सकता मैच पे, मैं तो मैं मैच भी दिखाता। आप सर्च करिएगा फेंजेंडोंग के मैच और वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब वो टॉसपिन मारते हैं और किसी डिफेंसर के अगेंस्ट में सर्च करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे लूप करना रहता है। तो उस जगह पे आप देखेंगे फेंजेंडोंग के मैच को, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि वो जंप करते हैं टॉसपिन मारते टाइम। तो एक और फैक्ट मैं बता दूँ कि देखिए, एक रिपोर्टर ने जूजिन से एक इंटरव्यू के टाइम पे पूछा था कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन सा है टेबल टेनिस में आपके हिसाब से, तो उन्होंने बोला था हिप। क्या होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फोटो लगी है, ये जो पार्ट होता है ये हिप होता है, क्योंकि देखिए बॉडी बहुत ज़्यादा रोटेट होती है ना, तो ये पार्ट आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, हिप का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसलिए आप हिप की भी एक्सरसाइज ज़रूर करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।